एवरीवन वेलकम टू तरुण आयस अकेडमी, दिस साइड सौम्या। स्वागत करते हैं आप सभी का तरुण आयस अकेडमी में। और यहां पे आप देख सकते हैं चाइना प्रोटेस्ट ओवर यूएसए विजिट टू इंडिया, यानी कि नैन्सी पेलोसी जो है यहां पे आप देख सकते हैं, ये है नैन्सी पेलोसी, ठीक है। और ये इंडिया में विजिट करती है उत्तराखंड में धर्मशाला में, तो चाइना जो है प्रोटेस्ट करने पे आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्या है कारण, नैन्सी पेलोसी कौन है, तो यहाँ पे डिटेल डिस्कशन हम जानते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नैन्सी पेलोसी जो है वो दरअसल धर्मशाला में उत्तराखंड में, जो धर्मशाला जो कि एक जगह है उत्तराखंड में, बहुत ब्यूटीफुल प्यारी सी जगह है उत्तराखंड में, तो वहां पे इस समय ये आ चुकी है। और वहां पे आके जो है ये दलाई लामा से मिलती है। नैन्सी पेलोसी कौन है, ये जाना माना नाम है यूएसए की पॉलिटिकल फील्ड में, यानी कि फॉर्मर यूएसए हाउस स्पीकर रह चुकी, बहुत प्रेस्टीजियस मेडल जो है इन्हें मिला है, और जो बाइडन की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें बहुत सम्मानित व्यक्ति आप कह सकते हैं नैन्सी पेलोसी, इनकी बहुत जो है इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट आवाज है अगर यूएसए की पॉलिटिकल फील्ड के बारे में बात करते हैं तो, ठीक है। देन अब यहां पे दलाई लामा से वो मिलती है, और दलाई लामा से मिलती है तिब्बत के ऊपर जो है पूरा बात चलती है। जैसे ही तिब्बत के ऊपर बात चलती है, चाइना जो है यहां पे भड़क उठता है, क्योंकि चाइना ये मानता है कि तिब्बत जो है वो दरअसल चाइना की टेरिटरी है, ठीक है। तो चाइना मानता ही नहीं है कि तिब्बत एक सेपरेट कंट्री है, बट यहां पे ऐसा देखने को मिल रहा है कि यूएसए जो है फुली एक्टिव हो चुका है, और यहाँ पे कंप्लीटली एक्टिवनेस के साथ इन्वॉल्व होके तिब्बत को जो है यहाँ पे एक सेपरेट बिल पास किया जाएगा यूएसए में, जिसका नाम है, जिसको पॉपुलरली तिब्बत बिल के नाम से जाना गया है। तो इस बिल में जो है वो बात की जाएगी कि तिब्बत जो है एक सेपरेट कंट्री है और उसको उसका दर्जा मिलना चाहिए, यानी चाइना का जो ऑफिशियल क्लेम है कि तिब्बत चाइना का पार्ट है, वो दरअसल एक तरीके से यूएसए जो है उसको एक तरीके से आप कह सकते हो कि उस पर फर्दर यूएसए जो है उसको डिनाई करने वाला है, ठीक है। तो यहां पे दलाई लामा के साथ वो मिलती है। अब जब यूएसए लॉ मेकर्स हैं वो दलाई लामा के साथ मिलती हैं, और तिब्बत चाइना डिस्प्यूट बिल पे जो है डिस्कशन होता है, डिस्कशन होता है कि क्या वाकई में ही तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है भी या नहीं है। तो फिलहाल के लिए तो चाइना यूएसए बता रहा है चाइना को कि ताइवान के बारे में तो कुछ समय के लिए भूल जाइए, फिलहाल तिब्बत पे फोकस डालिए, क्योंकि तिब्बत भी जो है वो ऐसा लगता है कि चाइना के हाथों से जाने वाला है। यूएसए इसकी पूरी पूरी कोशिश जो है यहां पे कर रहा है। अब यहां पे फर्दर जो है पूरे मुद्दे पे बात चलती है, तो चाइना एक तरीके से आप कह सकते हो कि ऑक्यूपाई करने की कोशिश में है, किसको, तिब्बत को। और हालांकि चाइना में मतलब इतना ज्यादा चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो तिब्बत को एक अलग कंट्री भी रिकॉग्नाइज नहीं करती है, ओके। सो चाइना क्लियरली रिमार्क दैट दलाई लामा इज, चाइना ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ऑफिशियली भी डिक्लेयर करा है कि दलाई लामा जो है वो एक रिलीजियस फिगर नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल एक्साइल है जो कि एंटी चाइनीज जो सेंटिमेंट्स हैं उसको कहीं ना कहीं वो हर्ट करते हैं। और कुल मिला के यहाँ पे जो है एक चाइना का जो विजन है तिब्बत को लेके, दलाई लामा को लेके, तो साफ तौर पे चाइना जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में क्लियर करता है। जबकि यूएसए की अगर बात करें तो जोरों शोरों से यूएसए जो है तैयारी में लगा पड़ा है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे एक बिल पास किया जाए जिसको पॉपुलरली कहेंगे तिब्बत बिल, या ओवरऑल ये जो बिल है तिब्बत बिल ये किस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होगा। तो ये ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो पूरा तिब्बत का डिस्प्यूट है, यानी आपको पता है कि चाइना जो है वो ऑफिशियली क्लेम करता है कि तिब्बत दरअसल कोई अलग कंट्री है ही नहीं, ये चाइना का पार्ट है, ठीक है। तो अब यूएसए जो है यहाँ पे एक बिल निकालने वाला है जिसका नाम है तिब्बत बिल, और इस बिल में यही डिस्कशन किया जाएगा, यानी ऐसा माना जा रहा है कि कंट्री के तौर पे, एक सेपरेट कंट्री के तौर पे तिब्बत को जो है वो देखा जाएगा। यानी कुल मिला के चाइना की तरफ से जो डबल खतरा है वो खड़ा हो चुका है। आपको पता होगा ताइवान जो है, चाइना ताइवान के ऊपर भी हक जताता है कि ताइवान भी जो है चाइनीज टेरिटरी है, हालांकि ताइवान इसका बहुत स्ट्रांगली रेसिस्ट करता है और यूएसए जो है वो ताइवान का साथ देता है। बट यहाँ यूएसए ने साफ तौर पे कह दिया है ताइवान को तो भूल ही जाइए, बट तिब्बत पे जो है फोकस करते हैं, और तिब्बत भी ऐसा लगता है कि चाइना के हाथों से जाने वाला है। अब जो चाइनीज प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, वो जो बाइडन की सरकार से, जो बाइडन से यही गुहार लगा रहे हैं कि आप इस बिल को साइन मत करिएगा, क्योंकि इस बिल में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं जो कि कुछ
बेसिकली चाइना को एक तरीके से उसकी नीतियों को पूरी करने के लिए चाइना को बिल्कुल ही उसकी नीतियां जो है तिब्बत को लेके, यानी चाइना ओवरऑल ऑक्यूपाई कर लेगा तिब्बत को, तो इसके खिलाफ है। तो जी जिनपिंग जो है वो साफ तौर पे जो बाइडन से कह रहे हैं कि आप जो है ये जो तिब्बत बिल के नाम से बोला जा रहा है, आप कृपया करके इसको जो है साइन मत करिएगा। अब बात है भारत सरकार की, क्या भारत सरकार इस पूरे मैटर में इन्वॉल्व है, हाँ या ना। जैसे आप जानते हैं नैंसी पेलोसी भारत आई हैं, तो क्या भारत भी इस पूरे जो तिब्बत चाइना यूएसए का मैटर है उसमें इन्वॉल्व है? तो देखिए, नैंसी पेलोसी बेशक आपकी धर्मशाला उत्तराखंड में आई हैं, बट भारत हाल फिलहाल के लिए तो इस मुद्दे से पूरा तरीके से बाहर है। भारत का कहीं भी किसी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और ये भी पता नहीं है कि मोदी जी जो है वो नैंसी पेलोसी से मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। और चाइना ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट में यूएसए को ही जो है ओवरऑल ब्लेम किया है कि यूएसए ही सब कुछ कर रहा है, कहीं भी इंडिया का जो है नाम नहीं लिया गया है, ना ही यूएसए के तरफ से लिया गया है, ना ही चाइना की तरफ से लिया गया है, और ना ही तिब्बत की तरफ से लिया गया है। तो एज ऑफ नाउ आप कह सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इस पूरे मुद्दे से बहुत अलग है, और कहीं भी जो है अभी इंडियन गवर्नमेंट का नाम इन्वॉल्व नहीं हुआ है। अब बात है क्या इंडियन गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, हाँ या ना। देखिए, एज फार एज द प्रेजेंट सिनेरियो इज कंसर्न्ड, तो जो भारत की नीति है वो इस समय कहीं ना कहीं सही जा रही है, क्योंकि हमें बैलेंस अप्रोच जो है वो अपनाना होगा। क्योंकि देखिए, चाइना भी जो है एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, और रही बात यूएसए की, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो अगर जो भारत की इस समय नीति है एक बैलेंस अप्रोच अपनाने की और इस मुद्दे से दूर ही रहने की, तो ये अप्रोच जो है वो काफी हद तक सही अप्रोच है, और काफी हद तक यहाँ पे मैं समझती हूँ कि आपको पूरा मैटर जो है वो डिस्कस मैंने कर दिया है। इसी के साथ आपको जो है यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको क्या लगता है कि भारत की नीति जो है वो सही है, या फिर नीति में कुछ बदलाव होना चाहिए इस मुद्दे को लेकर। चलिए, अब इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो का, एंड आशा करती हूँ इसी तरीके की जो है वीडियोज मैं आपके लिए लाती रहूंगी। बट आपको जो है आईएएस तरुण चैनल को सब्सक्राइब करना है, सो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड एज मच एज शेयर इट, और साथ ही साथ ध्यान रखिए यूपीएससी में अगर आपको जो है सफलता हासिल करनी है तो मेंटोरशिप प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। आईएएस तरुण द्वारा मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, और बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो आज ही सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बाकी सारे नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको मिल सकते हैं।